अभी हम मौजूद हैं ग्राम जलपुरा ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश थाना इकोटेक क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है और कुलेसरा पुलिस चौकी लगती है। इनका भाई का नाम आमिर खान है, सन ऑफ हाफिज खान, लगभग इसकी उम्र 25 वर्ष के आसपास है। ये बच्चा 4 दिन से लापता है, परिवार का आरोप है लगातार कितने दिन से लापता है बच्चा 5 दिन से लापता है परिवार का आरोप है लगातार चौकी में थाने में कंप्लेंट दे रहे हैं, लेकिन अभी तक बच्चे को पता नहीं चला कि बच्चा आखिर है कहाँ। जी क्या नाम बच्चे का? आमिर खान। आमिर खान क्या है पूरा नाम बताएं मुझे एक बार। वो घर से 70,000 रुपये लेके गया था हॉस्पिटल। 70,000 70,000 रुपये लेके गया था। छोटा भैया का ऑपरेशन था सब दर्जन हॉस्पिटल में। 10:30 बजे घर से निकला था। 10:30 बजे सुबह के टाइम? हाँ जी। ना वो घर पहुँचा ना हॉस्पिटल पहुँचा। अच्छा अच्छा। 27 तारीख से लापता है। 27 तारीख में लगभग सुबह 10:30 बजे का आपका भाई जो आमिर खान जो है, हाँ जी, वो 70,000 रुपये लेके निकला था। हाँ जी। सब दर्जन के लिए दिल्ली के लिए। तो क्या था वहाँ अस्पताल में, क्या हो रहा था? ये ऑपरेशन हो रहा था छोटे भाई का। तो सगा भाई था आपका? सगा भाई था वो भी। अच्छा, किस चीज़ का ऑपरेशन हो रहा था? उसके दर्द था अपेंडिक्स का दर्द था, तो इसके लिए पैसे लेके जा रहा था। हाँ जी। अच्छा, तो इस संबंध में आपने कहीं पर तहरीर वगैरह दी, कहीं एप्लीकेशन दिया? हाँ जी, 29 तारीख को थाना इकोटेक में रिपोर्ट लिखवाई है। 30 तारीख को फोटो दिए थे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। थाना इकोटेक 3 में आपने 29 मार्च को तहरीर दी थी कि हमारा भाई लापता है। चौकी में कंप्लेंट दी थी आपने? हाँ, चौकी में दी थी आपने? चौकी में नहीं, सीधी थाने में दी थी। तो क्या कहा गया वहाँ से आपसे? उन्होंने कहा था अगर आपका भाई आपको मिलता है तो आप हमें बता दें, हमें मिलता है तो हम तुम्हें बता देंगे। आप देख सकते हैं पुलिस ने फिलहाल जो है पीड़ित की तहरीर को रिसीव कर लिया है, सिर्फ आश्वासन दिया है लेकिन अभी तक बच्चों को ढूंढ के नहीं दिया है। बच्चा पूरे 5 दिन से लापता है, तो ग्रेटर नोएडा में लगातार बच्चे मिसिंग हो रहे हैं, लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। क्योंकि जिस तरह से ग्रेटर नोएडा एक हाईटेक सिटी है, यहाँ पर हजारों लाखों कंपनियाँ हैं और यहाँ पर अन्य शहरों से अन्य राज्यों के लोग यहाँ खाने कमाने के लिए आते हैं, अगर दिन दहाड़े ऐसे बच्चे गायब होने लेंगे तो आखिर इसमें जिम्मेदारी है किसकी? परिवार का आरोप है कि बच्चा जो है 26 तारीख में सुबह 10:30 बजे के आसपास जो है 70,000 रुपये लेकर निकला था, लेकिन ना तो अस्पताल पहुंचा सफदरजंग दिल्ली और ना ही अपने घर वापस आया। जी हाँ जी। तो क्या चाहते हैं फिलहाल अभी आप? हम कार्रवाई चाहते हैं पुलिस के। अच्छा, जल्दी से जल्दी हमारा भैया हमारे घर आए। तो चौकी और थाने में कितने बार जा चुके हैं अभी आप? हम 3 बार जाए, आज 3 दिन हो गए। अच्छा, तो आपने कहीं बच्चे के कहीं पोस्टर वगैरह छिपाए आपने इसके आमिर के? नहीं, पोस्टर नहीं छिपाए, फोटो थाने में मंगाए थे फोटो। अच्छा, आज से पहले भी कहीं मतलब कहीं गया है? नहीं, आज से पहले कोई नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ। यानी आज से पहले हमारे घर आ जाता रात। अच्छा। भी रात 4-5 दिन कहीं भी जाओ घर आ जाता। ये पहली बार ऐसा हादसा हुआ। फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है उनका। अच्छा। फोन भी नहीं ऑन है, 2-3 बार ऑन हुआ लेकिन रिसीव नहीं हुआ और फोन लगातार ट्राई कर रहे हैं ना, तो लगातार ही वो स्विच ऑफ जा रहा है। अच्छा। हाँ जी। नहीं तो आमिर खान क्या लगते हैं आप? आमिर खान का मैं टीचर हूँ, सर हूँ उनका, उनको मैंने पढ़ाया था यहाँ से। अच्छा, आपके लगते हैं आमिर के भाई हैं छोटे? अच्छा, भाई छोटे हैं। तो जैसे कि कुछ कारोबार करता था आमिर? हाँ जी, वो पहले पढ़ाई करता था सामने, ये जलपुरा में ठिया संभालता था छोटे। अच्छा। भाइयों के साथ? अच्छा अच्छा। तो किसी पे शक है आपको इस पे? नहीं, किसी पे शक नहीं है, ऐसा कोई हमारा कोई दुश्मन भी नहीं है। हाँ। नहीं, उसका कोई दुश्मन नहीं। पहले कभी किसी ने धमकी वगैरह दी हो आमिर को? नहीं, ऐसी कोई धमकी नहीं है, आज तक किसी ने कोई धमकी नहीं दी, किसी लड़ाई नहीं है हमारी किसी से। आप देख सकते हैं परिवार ने सीधा साफ कहा है कि परिवार को किसी पर शक नहीं है, किसी पर आरोप नहीं लगाया है, सिर्फ प्रशासन से अपने भाई की मौजूदगी मांगी है कि हमारे भाई को जल्दी से जल्दी ढूंढ के दी जाए। मैं ग्राम हल्दोनी ग्रेटर नोएडा इकोटेक 3 थाना क्षेत्र लगता है ग्राम कुलेसरा पुलिस चौकी, नदीम कैमरा मैन के साथ वसीम। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।